हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग थोड़ा सा क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th NCERT, ये वाला आपका ये चैनल है रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। इसमें आपको पूरा जो मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का है, जितने टेक्स्ट बुक के जितने भी थ्योरी होंगे और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, कंटेंट को पूरा देखें। कंटेंट को पूरा देखने से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा को एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, उसको पहले समझेंगे। एक दो एग्जाम्पल, हर एक लेक्चर 10 से 15 मिनट का होगा और दो या तीन क्वेश्चन हम लोग बहुत डिटेल वे में सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, एग्जाम्पल फर्स्ट थ्रू आउट हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक चीज को। क्वेश्चन कह रहा है गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3, गिवन 10a, 10a इज इक्वल टू 4/3, ओके। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल ए, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल ए, ऑफ द एंगल ए। अब यहां पे ध्यान देखिए, टेन ए का वैल्यू गिवन है। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही शांति से हम क्वेश्चन को करेंगे यहां पे। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, एनी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल दैट इज समकोण त्रिभुज में, हिंदी में भी हम लोग बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वन एंगल, इज 90 डिग्री। सो ये है हमारा एक एंगल, सपोज ये हमारा 10A है, ए यहां ले लेते हैं, बी यहां और सी यहां, ये एंगल 10A, ये एंगल हमारा 90 डिग्री। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पे एंगल 90 डिग्री हो गया, ओके। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज आप निकल के आता है वो होता है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में एक रिलेशन होता है, दैट इज लंब, कर्ण और आधार में एक रिलेशन होता है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसका रिलेशन क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक रिलेशन ये होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 10A को डिफाइन कैसे करते हैं? सो 10A इज द रेशियो ऑफ साइड, दैट इज परपेंडिकुलर बी सी डिवाइड बाय बेस, बेस इज ए बी। ध्यान से समझेंगे, 10A इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी और इसका मान गिवन है 4/3। क्या गिवन है? 4/3, 4/3। तो बी सी डिवाइड बाई ए बी 4/3, मतलब ये क्या है? बी सी रेशियो है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी सी बराबर 4 और एक नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के, एंड ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 के।
कहने का मतलब ये रेशियो है बीसी ओवर एबी रेशियो, तो क्या ये 8/6 हो सकता है? 8/6 अगर के का मान 2 देंगे तो 8, के का मान नीचे में 2 देंगे तो 6। क्या ये 12/9 हो सकता है? 12/9 भी हो सकता है, क्योंकि 10a इज इक्वल टू 3/4/3 है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसका और इसका रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है ये, तो परपेंडिकुलर जो होगा 4 के मल्टीपुल में होगा और आधार जो होगा, बेस जो होगा 3 के मल्टीपुल में होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे BC इज इक्वल टू 4 के लिखते हैं और AB इज इक्वल टू 3 के लिखते हैं। ओके, नाउ अगर हमें AC निकालना हो, AC, सो AC इज इक्वल टू, सो AC अगर हमें फाइंड करना हो तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना, ये पाइथागोरस थ्योरम यही चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, और ये हमेशा हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में भी, राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में यूज करते हैं। सो AC इज इक्वल टू, देखिए BC का मान कितना है, 4 × k का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है, 3 k स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 k डेट इज 16 k स्क्वायर, 3 k डेट इज 9 k स्क्वायर। देखिए 4 × 4 16 k × k स्क्वायर, इसी तरह 3 × 3 9 k × k स्क्वायर। अब देखिए 16 k स्क्वायर और 9 k स्क्वायर, ठीक है, तो दोनों सेम टर्म है, ये नंबर है और इसका जो टर्म है k स्क्वायर का टर्म है और ये भी k स्क्वायर का टर्म है, मतलब दोनों अगर सेम होगा तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे। सो दिस इज 25 k स्क्वायर, ठीक है। सो AB, AC को हम लोग लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू, चूंकि स्क्वायर रूट है तो यहां पे 25 k स्क्वायर, ठीक है। 25 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 5 k × 5 k, ठीक है, 5 k × 5 k, और 1, 2, 5 k के लिए जैसे ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 का मान है, मतलब 2 के लिए अगर स्क्वायर रूट है तो अगर अंदर में 2 होगा तो हमें 1 को बाहर निकालना होगा। सो दिस इज 5 k। इसका साइन हम प्लस लेंगे, हमेशा जब भी हम लोग ए बी या बी सी या सी ए कोई भी साइन निकालेंगे तो उसका साइन हम लोग प्लस लेंगे। क्यों प्लस लेंगे? क्योंकि जो साइड होता है वो लेंथ होता है, क्या होता है, लंबाई होता है, और लंबाई कभी भी निगेटिव में नहीं लेते हैं, ठीक है। सो 5 आ गया, ए बी का मान 5 आ गया। ओके, अब हमें क्या कह रहा है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए। जब हम इस तीनों साइड को निकाल लेंगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। अगर इस एंगल की बात कर रहा है यहां पे, तो साइन ए हमें कह रहा है निकालने के लिए, तो साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए होता है परपेंडिकुलर डेट इज सी बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस ए सी। सो ये है हमारा ए सी, ये है हमारा ए सी, सी बी डिवाइड बाय ए सी। अब देखिए सी बी क्या है, सी बी डेट इज बी सी, ये हमारा 4 k, और ए सी क्या है, ए सी है 5 k। अब जो हमने एज्यूम किया था रेशियो वाला मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्टर के, यहां पे ऊपर नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। ओके, साइन ए निकल गया। अगर हम लोग निकालना चाहें कॉस ए, सो कॉस ए इज इक्वल टू बेस दैट इज ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेनस ए बी, ए बी कितना है, ए बी है 3 k, सो 3 k डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए सी, हमने निकाला 5 k, सो k से k कैंसिल, डेट इज 3/5। ओके, टेन ए अगर हम लोग टेन ए निकालना चाहें तो टेन ए वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है, फिर भी यहां से देखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 4/k हो जाएगा, सो दिस इज 4/
फोर ओवर थ्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑलवेज फोर ओवर थ्री। ओके, अब देखते हैं कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का डेफिनेशन क्या होता है? कॉसेक ए का डेफिनेशन होता है किसी भी ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस को उसके परपेंडिकुलर से डिवाइड करें तो कॉसेक ए होता है। हाइपोटेनस कितना होता है? एसी, एसी इज 5 के। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है हमारा बीसी, दैट इज 4 के। 4 के ये कट के 5/4 हो जाएगा। देखिए साइन ए और कॉसेक ए ठीक एक दूसरे के रिवर्स होता है। देखिए यहां सीबी है, ठीक है, यहां एसी है, तो यहां पे ऊपर में एसी हो जाएगा, नीचे में सीबी हो जाएगा। तो इसे अगर हमारे पास साइन थीटा, साइन ए का मान पता है, तो इस फॉर्मूला को भी लगा के हम साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला को लगा के भी हम कॉसेक ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉस है, अब हम सेक ए निकालना चाहें, सेक ए, सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है हाइपोटेनस को अगर उसके बेस से डिवाइड करें, तो हाइपोटेनस क्या है हमारा? हाइपोटेनस है 5 के, और बेस कितना है हमारा? बेस हमारा निकला है बीसी, दैट इज 4 के। ये भी देखेंगे तो हाइपोटेनस ओवर बेस, बेस है हमारा ए बी 3 के, सो दिस इज 3 के, सो दिस इज 5/3। तो यहां पे देखिए 3/5 है, यहां पे 5/3 है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो अगर कॉस ए का वैल्यू पता है, मान पता है, तो हम लोग सेक ए का भी मान पता कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, टेन ए, तीसरा क्या है हमारा? कॉट ए। सो कॉट ए का मान क्या होगा? कॉट ए का मान होता है आधार बट्टा परपेंडिकुलर, मतलब लंब। आधार कितना है हमारा? आधार है ए बी, दैट इज 3 के डिवाइड बाई परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 4 के, सो दिस इज 4 के, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/3/4। अब देखिए 10a इज इक्वल टू 4/3, cot a इज इक्वल टू 3/4। तो अगर 10a का मान पता है तो हम cot a का मान भी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 10a इंटू cot a इज इक्वल टू 1। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 है, जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को पूरा देखिए। आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।